तुमको यह प्रूफ करना है कि एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर फाइव और लेस इज अबेलियन। कोई भी ग्रुप जिस ग्रुप का ऑर्डर पांच या पांच से कम हो अबेलियन होगा, ऐसा कह रहा है प्रूफ करने के लिए। तो पांच या पांच से कम ऑर्डर का ग्रुप क्या क्या पॉसिबल है? एक ऑर्डर, दो ऑर्डर, तीन ऑर्डर, चार ऑर्डर और पांच ऑर्डर, पांच या पांच से कम। हम लोग जानते हैं कि कोई भी ग्रुप अगर प्राइम ऑर्डर का होता है तो साइक्लिक होता है, साइक्लिक होगा तो अबेलियन होगा। एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक एंड एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन। तो पांच या पांच से कम में तीन नंबर तो प्राइम ही है, दो, तीन और पांच। इट मीन्स दो ऑर्डर, तीन ऑर्डर और पांच ऑर्डर का जो ग्रुप होगा, दो ऑर्डर, तीन ऑर्डर और पांच ऑर्डर का जो ग्रुप होगा वो प्राइम ऑर्डर वाला ग्रुप हुआ, इसीलिए वो साइक्लिक होगा, साइक्लिक है तो अबेलियन होगा। अब तो पांच को तुम्हारे पास में ग्रुप था, तीन ग्रुप तो उसमें अबेलियन हो गया, बच गया एक ऑर्डर एंड चार ऑर्डर। कोई भी ग्रुप अगर एक ऑर्डर का है तो डेफिनेटली उसमें एक ही एलिमेंट है, तो वह एलिमेंट आइडेंटिटी ही रहा होगा। आइडेंटिटी का यह बिहेवियर होता है जो वह किसी को भी ऑपरेट करे, बायां से ऑपरेट करे या दाहिना से ऑपरेट करे, बायां से ऑपरेट करे या दाहिना से ऑपरेट करे, आफ्टर ऑपरेशन रिजल्ट के ऊपर में कोई इफेक्ट नहीं डालता है। जब वो खुद को भी ऑपरेट करेगा तो भी वह कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, इसीलिए वह भी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा। मेजर प्रॉब्लम ये आता है जब ग्रुप अगर चार ऑर्डर का है तब क्या हो सकता है। अब हम लोग चार ऑर्डर वाले के लिए आगे डिस्कस करें। लेट सॉल्यूशन इसका ये है of order five or less, that is order of G less equal five. आपको प्रूफ करना है, we want to show that G is abelian. G is abelian. हम लोग जानते हैं पांच या पांच से कम नंबर होगा, दो, तीन और पांच जो प्राइम होगा। हम लोग जानते हैं, we know that every group of prime order is cyclic and every cyclic group every cyclic group is abelian. पांच या पांच से कम में, पांच या पांच से कम में तीन नंबर प्राइम है, मतलब प्राइम ऑर्डर का कोई भी ग्रुप है तो वो साइक्लिक होगा, साइक्लिक है तो अबेलियन होगा। तो पांच या पांच से कम में तीन नंबर प्राइम है, टू, थ्री और फाइव, इसीलिए पांच ऑर्डर वाला ग्रुप, तीन ऑर्डर वाले ग्रुप एंड दो ऑर्डर वाले ग्रुप साइक्लिक होंगे, साइक्लिक हैं तो अबेलियन होंगे। देयर बोथ इस स्टेटमेंट की मदद से देयर बोथ ग्रुप ऑफ ऑर्डर टू, थ्री एंड फाइव
पांच या पांच से कम में दो तीन और पांच, क्योंकि हमको ऑब्जर्व पांच या पांच से कम में करना है, हम एक ऑर्डर, दो ऑर्डर, तीन ऑर्डर, चार ऑर्डर और पांच ऑर्डर पे अपना ऑब्जर्वेशन रखेंगे। तो एक दो तीन चार पांच में ये तीन नंबर प्राइम है, ग्रुप ऑफ ऑर्डर टू थ्री एंड फाइव इज अबेलियन इसके सपोर्ट से। क्या है तो दो ऑर्डर का ग्रुप प्राइम ऑर्डर का ग्रुप हुआ, प्राइम हुआ, साइक्लिक हुआ, साइक्लिक हुआ, अबेलियन हुआ। तीन ऑर्डर का ग्रुप प्राइम ऑर्डर का ग्रुप हुआ, प्राइम ऑर्डर का ग्रुप है, साइक्लिक होगा, साइक्लिक है, अबेलियन होगा। फाइव ऑर्डर का ग्रुप प्राइम ऑर्डर का ग्रुप है, प्राइम ऑर्डर का ग्रुप है, साइक्लिक होगा, साइक्लिक है, अबेलियन होगा। देयरफॉर ग्रुप ऑफ ऑर्डर टू थ्री एंड फाइव इज अबेलियन। पांच ग्रुप के बारे में हमको ऑब्जर्व करना था, जिसमें तीन ग्रुप तो मेरा अबेलियन हो गया। अब बच गया जो ग्रुप अगर एक ऑर्डर का हो, ग्रुप चार ऑर्डर का, पहले एक के लिए लिखते हैं फिर आगे चार ऑर्डर के। अगर कोई भी ग्रुप एक ऑर्डर का होगा तो डेफिनेटली उसमें एक ही एलिमेंट होगा जो आइडेंटिटी होगा। आइडेंटिटी खुद को कितनों बार ऑपरेट करे, बायां से करे, दाहिना से करे, कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। इट मीन्स कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा, इसीलिए एक ऑर्डर का ग्रुप ऑलवेज अबेलियन होगा। फिर आगे हम लोग चार ऑर्डर के बारे में लिखेंगे। पहले एक के लिए इफ जी इज ग्रुप ऑफ ऑर्डर वन, सिंस जी इज ग्रुप ऑफ ऑर्डर वन, therefore G has only one element, चूंकि group है तो बगैर identity का तो group हो नहीं सकता है, और आप जानते हैं identity element unique होता है। G has only one element which is identity element of G, identity element किसी भी numbers को बायां से operate करे या दाहिना से operate करे कोई change नहीं करता है। खुद के भी element को operate करेगा तो कोई change नहीं करेगा। Which is identity element of G? Therefore, it must be commutative. Therefore, group of order 1 is abelian. पांच या पांच से कम में तीन ग्रुप को तो हम प्राइम लॉजिक से लेके गए, प्राइम है, साइक्लिक होगा, साइक्लिक है, अबेलियन होगा। एक ऑर्डर वाले को लॉजिक से लीगेज, एक ही ऑर्डर वाला ग्रुप है, सिंगल एलिमेंट है तो आइडेंटिटी होगा, आइडेंटिटी है तो कम्यूट करेगा, अबेलियन होगा। और मेन बात फंसता है जब ग्रुप चार ऑर्डर का रहा हो तब क्या होगा। तो चार ऑर्डर का रहा हो तो चार एलिमेंट होगा, उस पे हम लोग अरेंजमेंट देंगे तो वो अबेलियन कैसे बनेगा। अगर तुम्हारा ग्रुप चार ऑर्डर का होगा तब क्या होगा। इफ चीज ग्रुप ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्डर फोर, अगर कोई भी ग्रुप चार ऑर्डर का है तो उसमें चार एलिमेंट होगा, चार एलिमेंट में एक एलिमेंट तो आइडेंटिटी होगा। आइडेंटिटी अपना इनवर्स खुद ही होता है, जी ग्रुप है तो क्लोज एसोसिएटिव आइडेंटिटी एंड इनवर्स को फॉलो करेगा। आइडेंटिटी तो किसी भी ग्रुप में अपना इनवर्स खुद ही होता है, तो चार ऑर्डर वाले ग्रुप में जो चार एलिमेंट होगा तो एक तो उसमें आइडेंटिटी होगा, रिमेनिंग तीन एलिमेंट। तो अगर तीन में दो कंडीशंस बन सकता है, जब प्रत्येक एलिमेंट अपना इनवर्स खुद हो
नहीं तो ए का इनवर्स बी हो, बी का इनवर्स तब ए बी होगा, सी अपना इनवर्स खुद ही हो, इट मीन्स प्रत्येक एलिमेंट अपना इनवर्स खुद हो, नहीं तो एक ऐसा एलिमेंट हो जो अपना इनवर्स खुद नहीं हो। इसमें हम लोग दो केस जनरेट करेंगे, इफ ईच एलिमेंट ऑफ जी इज इट्स ऑन इनवर्स, यदि जी का प्रत्येक एलिमेंट अपना इनवर्स खुद ही है तब अलग से अवेलियन होगा। जब फिर सेकंड सिचुएशन कहा है, एक ऐसा एलिमेंट हो जो अपना इनवर्स खुद नहीं हो तो उसको अलग से अवेलियन दिखाएंगे। दो सिचुएशन का, अगर कोई भी ग्रुप चार ऑर्डर का है तो यहाँ पे दो सिचुएशन जनरेट कर सकता है। ईच एलिमेंट ऑफ जी इज इट्स ओन इनवर्स, यदि प्रत्येक एलिमेंट अपना इनवर्स खुद ही हो। लेट दिखाना है आपको अवेलियन, अवेलियन कमेटेटिव, कमेटेटिव के लिए भी बराबर भी है। लेट ए कॉमा बी बिलोंग जी, ए बराबर ए इनवर्स, प्रत्येक एलिमेंट अपना इनवर्स खुद ही है, बी बराबर ए इनवर्स। ए और बी ग्रुप में है, ए और बी ग्रुप में है, क्लोजर लॉ को तो फॉलो करेगा। सीन्स A कॉमा बी बिलोंग जी, A कॉमा बी बिलोंग जी, दिस इंप्लाइज A B बिलोंग जी, तुम्हारे जी में प्रत्येक एलिमेंट अपना इनवर्स खुद ही है, देयरफॉर A B इनवर्स इक्वल A B, क्योंकि A B भी तो जी में है, A B अपना इनवर्स खुद ही होगा। जबकि आप जानते हो एक ग्रुप में ए बी इनवर्स बराबर होता है बी इनवर्स ए इनवर्स के, रिवर्सल लॉ। इससे मतलब निकलेगा जो ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स इक्वल ए बी, कहे एक ग्रुप में रिवर्सल लॉ चलता है, ए बी इनवर्स बराबर होता है बी इनवर्स ए इनवर्स के। अब आप वहां से यूज करो बी इनवर्स बराबर बी, A inverse बराबर A, this implies BA equal AB, AB equal BA, for all AB belong G, therefore G is abelian। लेकिन कब, जब प्रत्येक एलिमेंट अपना इनवर्स खुद ही था तब। फिर अब इसमें आते हैं सेकेंड केस में, जो हो सकता है जो एक ऐसा एलिमेंट हो जो अपना इनवर्स खुद नहीं, तो उस सिनेरियो में अलग से देखिए। सेकेंड तो पहला केस में यदि प्रत्येक एलिमेंट अपना इनवर्स खुद ही था, तुम्हारे ग्रुप में चार एलिमेंट था, तो ए का इनवर्स ए इनवर्स, बी का इनवर्स बी इनवर्स, सी रहा होगा तो सी बराबर सी इनवर्स, एगो तो आइडेंटिटी है वो अपना इनवर्स खुद ही होता है। दिखाना था अवेलियन तो कमेटेटिव दिखाया। ए बी अगर जी में है तो ए ऑपरेशन भी जी में होगा ड्यू टू क्लोजर, और ए बी इनवर्स भी बराबर होगा ए बी के, का है तो तुम्हारे ग्रुप का प्रत्येक एलिमेंट अपना इनवर्स खुद है, ए बी अगर जी में है तो ए बी इनवर्स भी तो ए बी ही होगा, जबकि हम लोग जानते हैं ए बी इनवर्स बराबर होता है बी इनवर्स ए इनवर्स के, बी इनवर्स बी के बराबर, ए इनवर्स ए के बराबर, तो बी ए बराबर ए बी, यही तो कम्यूटेटिव लॉ है। तुम्हारा ग्रुप अवेलियन हुआ। केस सेकंड बनाते हैं, एक ऐसा एलिमेंट हो जो अपना इनवर्स खुद नहीं हो तब भी दिखाना है अवेलियन। If G contains an element
विच इज नॉट इट्स ऑन इनवर्ड्स, यदि जी के पास में एक ऐसा एलिमेंट हो जो अपना इनवर्ड्स खुद नहीं हो, मान लेते हैं ए, ए बिलोंग जी, ए नॉट इक्वल ए इनवर्स, लेट ए बिलोंग जी, ए नॉट इक्वल ए इनवर्स। ए अगर ए इनवर्स के बराबर नहीं है तो इससे क्या मतलब निकलता है, ए ए इनवर्स के बराबर नहीं है तो देयरफॉर ए ए नॉट इक्वल ई, क्योंकि जब किसी भी एलिमेंट को अपने इनवर्स के साथ में ऑपरेट करते हैं तो रिजल्ट आइडेंटिटी देता है। एक अगर इनवर्स एक खुदे रहता है तो ये ऑपरेशन ही आइडेंटिटी होता। इससे मतलब निकलता है ए स्क्वायर नॉट इक्वल ई, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ ए ग्रेटर टू, क्योंकि एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है, मिनिमम आप कितना बार किसी एलिमेंट को ऑपरेट करोगे जिससे कि वह आइडेंटिटी रिटर्न करेगा। ए अपना इनवर्स खुद नहीं था, ए आइडेंटिटी नहीं था, क्यों, आइडेंटिटी खुद अपना इनवर्स अपने होता है। ए का ऑर्डर दो भी नहीं है, क्यों, ए ऑपरेशन ए आइडेंटिटी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, तो ए अपना इनवर्स खुद रहेगा तब ना ए को अपने इनवर्स के साथ में ऑपरेट करेंगे तो रिजल्ट में आइडेंटिटी बनेगा। एक को एक बार में एक ऑर्डर आइडेंटिटी का होता है, ये आइडेंटिटी नहीं था, आइडेंटिटी अपना इनवर्स खुद ही होता है, ये अपना इनवर्स खुद नहीं है, एक ऑर्डर दूसरे अधिक है। आप यह जानते हो जो एलिमेंट का जो ऑर्डर होता है वो ग्रुप के ऑर्डर को भाग करता है, तो एक का जो ऑर्डर होगा वह भी चार को भाग करेगा, क्योंकि तुम्हारे ग्रुप का ऑर्डर चार है, तो दूसरे बड़ा नंबर चार को भाग करेगा, वो तीन तो नहीं हो सकता, दूसरे बड़ा नंबर अगर चार को भाग करेगा तो वह चार होगा। तो इससे मतलब निकलता है जो एक का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर है। अगर किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर है तो वह एलिमेंट जनरेटर बनेगा, तो तुम्हारा ग्रुप पहले से ही था, जनरेटर बन गया साइक्लिक हो गया, साइक्लिक हो गया तो अवेलियन हो गया, तो केस सेकंड इस तरीका से अवेलियन बनेगा जब ग्रुप में ऐसा कोई एलिमेंट है जो अपना इनवर्स खुद। हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो कोई भी ग्रुप जिस ग्रुप का ऑर्डर पांच या पांच से कम होगा अवेलियन होना चाहिए, पांच या पांच से कम होगा अवेलियन होना चाहिए। पांच या पांच से कम में एक ऑर्डर दो ऑर्डर तीन ऑर्डर चार ऑर्डर और पांच ऑर्डर का ग्रुप बन सकता है, जिसमें हम लोग दो ऑर्डर तीन ऑर्डर और पांच ऑर्डर के ग्रुप को कहे जो प्राइम ऑर्डर का ग्रुप है, प्राइम ऑर्डर का है साइक्लिक होगा, साइक्लिक है अवेलियन होगा। एक ऑर्डर सिंगल एलिमेंट होगा, आइडेंटिटी होगा, आइडेंटिटी कम्यूट करता है तो इसीलिए वह अवेलियन होगा। मेन बात फंसा चार ऑर्डर का जो ग्रुप है, जब कोई भी ग्रुप चार ऑर्डर का है तो उसमें चार एलिमेंट होगा, चार एलिमेंट होगा तो एक एलिमेंट तो आइडेंटिटी होगा, रिमेनिंग तीन एलिमेंट ग्रुप है तो प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स तो तुमको देना पड़ेगा। तो तीन में अगर पेयर लगाओगे, मान लो एलिमेंट था एगो आइडेंटिटी तीन को ए बी सी, एगो ए एगो बी एगो सी, तो ए का इनवर्स बी हो तो बी का भी इनवर्स ए होगा, फिर सी अपना इनवर्स अपने होगा। इट मींस एक सिचुएशन यह बन सकता है जब ए अपना इनवर्स खुद नहीं हो, वही यहां पे लिखा हुआ है कि जी कंटेन एन एलिमेंट व्हिच इज नॉट इट्स ऑन इनवर्स, एंड एक बन सकता है जो आइडेंटिटी तो अपना इनवर्स रहे करता है, रिमेनिंग जो तीन एलिमेंट है वो भी अपना इनवर्स खुद ही हो। अगर अपना इनवर्स खुद ही हो वो यहाँ पे लिखा हुआ है जी बीच एलिमेंट ऑफ जी इज इट्स ऑन इनवर्स, यदि प्रत्येक एलिमेंट जी का अपना इनवर्स खुद ही है तो देन वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा। तो इसे फॉलो करेगा, ए बी जी में है और ए जी का प्रत्येक एलिमेंट अपना इनवर्स खुद ही है, तो ये बराबर है इनवर्स के, बी भी बराबर है बी इनवर्स के, तो ए और बी अगर जी में है दिखाना तुमको अवेलियन है तो कम्यूटेटिव के लिए मूव कर रहे हैं,
ए और बी अगर जी में है तो ए ऑपरेशन बी भी जी में होगा, और ग्रुप का प्रत्येक एलिमेंट अपना इनवर्स खुद है तो ए बी इनवर्स बी ए बी होगा। जबकि ए बी इनवर्स होता है बी इनवर्स ए इनवर्स के, बी इनवर्स बराबर बी ए इनवर्स बराबर ए, तो बी ए बराबर ए बी कम्यूटेटिव लॉ हो गया। केस सेकंड है हमारा, जी कंटेन एन एलिमेंट विच इज नॉट इट्स ऑन इनवर्स, जी के पास में ऐसा एक एलिमेंट उसे अपना इनवर्स खुद नहीं हो। हम मान लिए ए जी में है, ए अपना इनवर्स खुद नहीं है तो ए आइडेंटिटी नहीं हो सकता है, क्योंकि आइडेंटिटी अपना एलिमेंट खुद ही इनवर्स, आइडेंटिटी का इनवर्स वो खुद ही होता है तो ए आइडेंटिटी नहीं है। ए के ऑर्डर के बारे में सोच रहे हैं, ए का ऑर्डर तब एक तो नहीं है, क्या ए का ऑर्डर दो है? नहीं, ए ऑपरेशन ए सब करने किए करेंगे ए स्क्वायर आएगा, ए ऑपरेशन ए तो आइडेंटिटी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर ए का इनवर्स ए खुद रहता तब ना कोई एलिमेंट अपने इनवर्स के साथ में ऑपरेट करता तो रिजल्ट आइडेंटिटी देता। ऑर्डर ऑफ ए दो से अधिक है हम लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं, वी नो दैट। Order of A divides order of G, मतलब एलिमेंट का जो ऑर्डर होता है वो किसी भी फाइनाइट ग्रुप के ऑर्डर को भाग करता है। तुम्हारे ग्रुप का ऑर्डर कितना है? चार। Therefore, order of A divides four. तुम कह रहे हो जब दो से बड़ा है मेरे A का ऑर्डर, दो से बड़ा कोई नंबर चार को भाग करेगा, डेफिनेटली वह नंबर चार ही होगा, क्योंकि एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर से बढ़ नहीं सकता है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट भाग करता है ग्रुप के ऑर्डर को। ऑर्डर ऑफ ए भी तो तुम्हारे ग्रुप का नंबर है, ग्रुप का ऑर्डर चार है तो ऑर्डर ऑफ ए भाग करेगा चार को। जबकि ऑर्डर ऑफ ए दो से अधिक है, चार को भाग कौन कौन नंबर कर सकता है? वन टू और फोर। तो दो से बड़ा कोई नंबर है चार को भाग करेगा तो डेफिनेटली वह चार होगा। ऑर्डर ऑफ ए बराबर फोर। फोर क्या है? ऑर्डर ऑफ जी है। अगर किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो, ऑर्डर ऑफ ए बराबर है ऑर्डर ऑफ जी के। अगर किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो तो वह जनरेटर होता है, जी जनरेटेड बाय ए। जब यह जनरेटर होता है तो जी तो साइक्लिक ग्रुप हो गया, अगर साइक्लिक हो गया तो अबेलियन होगा, क्योंकि ग्रुप तो पहले से था, जनरेटर हो गया ए। तो ए अगर जनरेटर है तो ग्रुप साइक्लिक है, therefore G is cyclic group and every cyclic group is abelian, therefore G is abelian। आपका यह पांच केस जनरेट हुआ, एक ऑर्डर, दो ऑर्डर, तीन ऑर्डर, चार ऑर्डर एंड पांच ऑर्डर, दो तीन पांच स्टेटमेंट के मदद से प्राइम ऑर्डर का ग्रुप साइक्लिक, साइक्लिक द अबेलियन। एक ऑर्डर बेसिक लॉजिक से मेन प्रूफ चार ऑर्डर का हुआ, जिसमें दो केस बना, जब प्रत्येक एलिमेंट अपना इनवर्स खुद हो तो हम कम्यूटेटिव दिखाया, जब कोई ऐसा एलिमेंट हो जो अपना इनवर्स खुद नहीं हो उस एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर दिखाया, वह एलिमेंट जनरेटर हुआ, जनरेटर हुआ तो ग्रुप साइक्लिक हुआ, साइक्लिक हुआ तो अबेलियन हुआ। अब हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर वी से दैट एवरी ग्रुप ऑफ फाइव और लेस, पांच या पांच से कम, एवरी ग्रुप ऑफ फाइव और लेस, एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर फाइव और लेस इज अबेलियन ग्रुप। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कोई भी ग्रुप जिस ग्रुप का ऑर्डर पांच या पांच से कम हो डेफिनेटली वह एक अबेलियन ग्रुप होगा।